गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वुड बी वेरी फाइन एंड वुड बी इंजॉइंग योर हॉलीडेज आफ्टर कम्प्लीटिंग योर मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. आप सभी मौज मस्ती के साथ इस बात की प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे, इस बात की आपको बेसब्री से इंतज़ार भी रहा होगा और आप यह जानने की उत्सुकता लिए हुए होंगे कि कब आपकी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, कब आपके रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथियों के संबंध में कुछ अपडेट लेकर आया हूँ. जैसा कि अखबारों में चल रहा है और जैसा कि स्रोतों से जानकारी मिल रही है और एक प्रैक्टिकल वे में भी देखा जा रहा है कि क्या चल रहा है, अभी क्या अपडेट चल रहा है, तो सभी चीज़ों को समअप करते हुए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपकी परीक्षा परिणाम, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, कुछ आगे पीछे आएंगे, लेकिन मई महीने के अंतिम सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे. आपके जो परीक्षा परिणाम हैं वह लास्ट वीक ऑफ द मई मंथ में पब्लिश हो जाने की पूरी संभावना है. अभी जो अपडेट है वो यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर की कॉपियों का और मैट्रिकुलेशन की कॉपियों का इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करवा दिया है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन राज्य के लगभग 66 केंद्रों पर 66 सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है, शुरू हो चुका है पिछले दो दिनों से, अर्थात 23 अप्रैल 2023 से परीक्षा की कॉपियों की मूल्यांकन शुरू कर दी गई है, स्टार्ट कर दी गई है. अबाउट 10,000 टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड, लगभग 10,000 शिक्षक लगाए गए हैं इस कार्य के लिए और एक शिक्षक को एक दिन में लगभग 70 कॉपीज इवैल्यूएट करने हैं, मूल्यांकन करने हैं अर्थात जांचने हैं, ठीक है. और इस तरह से यह उम्मीद है कि मूल्यांकन कार्य मई महीने के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाएगी और परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट का जो आना है वह मई के अंत तक प्रकाशित कर दिया जाएगा. लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, 19 जिलों में परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं. वहीं मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए लगभग 35 और इंटर की कॉपियों की जांच के लिए लगभग 31 केंद्र बनाए गए हैं. तो ये सारी न्यूज़ हैं और इन सभी न्यूज़ से पता चलता है कि निश्चित तौर पर हम सबका जो रिज़ल्ट है वो मई महीने के अंतिम में आ जाएगा. लेकिन परीक्षा परिणाम तो आना ही है, अपने समय पर वो आ ही जाएगा. आपकी काउंसिल, आपकी परिषद लगी हुई है कि यथाशीघ्र आपके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए, लेकिन आपको भी बिल्कुल आराम से नहीं बैठना है. आराम से तो बैठना है, वो आपका अधिकार है, परीक्षा के बाद आपका अधिकार बनता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहें, लेकिन बिल्कुल ही साइलेंट मोड में हो जाए अपने स्टडी को लेकर, यह भी अच्छी बात नहीं है. आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ठहराव ला दिया अपनी पढ़ाई में तो एक नए सिरे से शुरू करने में आपको कठिनाई महसूस होगी, आपको एक नया बल लगेगा. आप अभी यह कर सकते हैं कि जब तक परीक्षा परिणाम नहीं आता है तब तक आप उन विषय पर गौर करें जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई लगती है, जिसे आप थोड़ा वीक मानते हैं, और उसकी मजबूती के लिए आप उस पर बेसिक पॉइंट से काम कर सकते हैं, बेसिक लेवल से काम कर सकते हैं. खास करके मैं कहूँगा इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील करवाता है, तो आप इंग्लिश को भी मजबूत कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में. जब तक आपकी परीक्षा परिणाम नहीं आती है तब तक आप इंग्लिश के किसी भी ग्रामर की किताब से ग्रामर के नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. वोकेबुलरी के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, कोई भी पत्रिका मैगजीन को पढ़ सकते हैं, या फिर न्यूज़ सुन सकते हैं, या अभी IPL चल रहा है तो उसकी कमेंट्री भी आप इंग्लिश में सुनकर अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सारी बातों को अपने रूटीन में फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर आप अपनी पढ़ाई के मामले में ग्रो अप करेंगे, और इन सभी उम्मीद के साथ और आपके बेटर रिजल्ट की विश के साथ, कामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ. तब तक के लिए शुभ विदा.